रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके साथ आज चिकन कीमा कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि चिकन कीमा कढ़ाई किस तरीके से तैयार की जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने ये कीमा लिया चिकन का, इसका वजन 1 kg है। अब इसके साथ हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। आपने घी में ही इसको पकाना है, ऑयल ना इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि घी से कढ़ाई का जो टेस्ट है वो बहुत जबरदस्त आएगा। अब घी डाल के हमने फ्लेम को ऑन कर लिया था और घी को हमने अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब सबसे पहले हम जो कीमा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से कीमे डाल देंगे और इसको आप 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं जी, कीमे को हमने घी में डाल दिया था तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। इन 5 मिनट्स में जो चिकन कीमे का जो खुद का एक पानी होता है वो इसने रिलीज किया है और इन 5 मिनटों में तकरीबन इसका पानी ड्राई होने के करीब है और अब जो घी है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है और कीमे का जो कलर है वो कम्प्लीट चेंज हो चुका है। ठीक है, ये फ्राई नहीं हुआ बल्कि ये घी में इसका जो पानी था वो रिलीज हुआ है और पानी जो है वो तकरीबन आप ड्राई होने के करीब आया है। तो इस तरीके से आपने रेसिपी को फॉलो करना है, इसकी मुकम्मल घी में इसकी बुनाई नहीं करनी ज़रा देर तक, बस ये 5 मिनट में ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब 5 मिनट के बाद इसमें मैं हंसबे जायका नमक शामिल करने लगा हूँ, 1 टीस्पून में शामिल कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। नमक डालने के बाद इसको 1 मिनट और इसको पकाएंगे ताकि जो इसका थोड़ा सा पानी रह गया वो भी ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद इसमें जो चीज़ शामिल करूंगा वो आपको बताऊंगा। अच्छा जी, 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। ठीक है, ये कुटा हुआ आपने शामिल करना है और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक कीमे के साथ मज़ीद फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन डाल के इसकी भी 1 से 2 मिनट मैंने बुनाई कर ली कीमे के साथ। अब आपको मैं बताऊंगा कि अब हमने करना क्या है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1/2 ग्लास, ठीक है, तकरीबन 125 ml के लगभग इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर शामिल करने लगा हूँ। टमाटर इस तरीके से हम डालेंगे कि हमने 1 टमाटर के 2-2 पीस कर लिए। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये टमाटर है तो इसको काट के 2 पीस कर लिए, छिलका इस पर लगा हुआ है और इस तरीके से ये टमाटर इस तरह कीमे के ऊपर रख देंगे। टमाटरों का जो वजन रखा है मैंने 1 किलो कीमे के साथ वो 400 ग्राम रखा है। तो आपने भी इसी रेसिपी को, इसी वजन को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कीमा कढ़ाई रेडी होगी। तो इस तरीके से ये देखिए, मैं सारे टमाटर रख रहा हूँ, ये इस तरीके से सारे टमाटर रख देने के बाद ये देखिए इस तरीके से रख दिए और ये साइडों से जो कीमा थोड़ा सा क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ये अब हम इसको करेंगे इस तरीके से कवर और कवर करके तो इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर उठाना है और अगला स्टेप आपसे शेयर करना है। अच्छा व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसका कवर उठा लेते हैं। कवर उठाने के बाद सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि जो टमाटर हमने डाले थे, अब ये चिमटा ले लिया और इससे ये इस तरीके से इनके ऊपर से सबसे पहले इनका जो छिलका है ये उतारेंगे, ये बड़े आराम से उतर जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने तमाम जो पीसीज हैं टमाटरों के इनसे छिलका उतारना है और फिर उसके बाद अगला स्टेप मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा जी, टमाटरों से हमने छिलका रिमूव कर लिया है, अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं 6 से 7 अदद हरी मिर्च जो दरमियानी तीखी होती है इस तरीके से काट कटी हुई है। देखिए, छोटे छोटे पीसेस से हमने गोल गोल काट के रख ली है, अब वो इसमें शामिल कर दी और इसके बाद इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून भर के, ठीक है, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के दादरा मिर्च, इसको कहते हैं चिली फ्लेक्स, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये भी शामिल करेंगे। फ्लेम को आप थोड़ा सा तेज करेंगे और तेज फ्लेम पे अब इसको हम मिक्स करेंगे इस तरीके से और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। कीमे को फ्राई करते हुए आपने साथ साथ इसको इस तरीके से हिलाते भी रहना है और तकरीबन हमें ये 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको अच्छा सा भूनते हुए। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमने आपको कीमा चिकन कढ़ाई जो है वो बनाना सिखाई है, बताई है कि किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें। बस आप इसको हम फ्राई कर लें तो फिर उसके बाद आपको अगला स्टेप बताएंगे। 5 से 6 मिनट हमने ये देखे जी व्यूअर्स, माशाल्लाह कीमे को हमने फ्राई किया, मजीद अच्छे से फ्राई की है, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है चिकन कीमा कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लोज करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट पे हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको बता देते हैं कितना ऐड करेंगे, सिर्फ 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये हमने ले लिया कुटा हुआ गर्म मसाला और इस तरीके से ये देखिए ये हमने इसमें डाल दिया और ये डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। 1 मिनट गुजर चुका जी, कवर उठा लेंगे
फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देंगे, इसको एक दफा अच्छा सा मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल रेडी है, देखिए माशाल्लाह कितना ये जूसी बना है और कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और खुशबू तो आप पूछेंगे ना कि इसकी कितनी लाजवाब और मज़ेदार किस्म की आ रही है। आप देखिए इसको ये खाएंगे इस तरीके से, और ये प्लेट लेंगे, ये दिखाएंगे साइड वगैरह, ये देखें ये प्लेट ले ली और ये देखिए इसमें डाल दिया, ठीक है। और आप अंदाज़ा करें कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। तो इस तरह आपके साथ मज़ीद भी रेसिपियाँ मैं शेयर करता रहूँगा, आप बस हमें लाइक और कमेंट करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी चिकन कीमा कढ़ाई की। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।